से अपना रन स्टार्ट करेगा जोन के अंदर जाने का, बट यहाँ पे जी गॉड ने यहाँ पे स्पॉट करता है लेसन के प्लेयर्स को, रोटेशन डालते हैं बट यहाँ पे बुलेट अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ बिकॉज एक स्पीड थी वहाँ पे जो यहाँ पे जी गॉड को चेज करानी थी अपनी एडीएस के साथ साथ, बट यहाँ पे हेनरी आ चुके हैं। क्या जॉनथन वापस से क्लच कर पाएंगे यहाँ पे, एंग्री को नॉकडाउन करेंगे मेगा के पैराडोस पर, ये किल देखते हैं कौन सी टीम उठाएगी। अब ये जो ग्रेनेड है ये एक बहुत बड़ा यू कैन से सेट बैक बन सकता है यहाँ पे, जॉनथन ने जरूर फेंका बट सामने से एलएसएम के प्लेयर्स का भी ग्रेनेड आया था, बट यहाँ पे जॉनथन कल वाला ही सेम एक सिनेरियो नॉक किसी और ने करा, बट यहाँ पे किल यहाँ पे जॉनथन के नाम पे जाएगा। Chaos, अब देखते हैं ये वाली फाइट किस तरीके से निकालेंगे, बिकॉज चारों प्लेयर यहाँ पे उनके ऊपर धीरे धीरे करके जाएंगे। Chaos ने यहाँ पे अभी एक ग्रेनेड फेंका, यू कैन से एक प्री नेड फेंका है वहाँ पे जस्ट इन केस को प्लेयर टीपी पे लेता है, बट क्लच गॉड आ रहे राइट साइड से लेफ्ट साइड से भी, जस्ट मेक श्योर कि कोई एक और प्लेयर है, बट यहाँ पे जी गॉड ऊपर चर्च के साइड पर जा चुके हैं। यस अब ये फाइट हर जगह से टीएसएम एंटिटी अप्रोच करना चाह रहे, बट इसी के साथ साथ यहाँ पे Chaos के सामने अगर आपके चारों प्लेयर, ये क्या एंगल यहाँ पे बनाया था जी गॉड ने उनके थ्रू, यहाँ पे सीरवी को नॉक डाउन करेंगे क्या कंफर्मेशन होगा वैकेंडी, बट यहाँ पे जॉनथन इसकी स्पाइडी को नॉक डाउन करा फिनिश करा यहां पे जी गॉड ने किल्सम इज ऑल द वन एचपी जॉनथन एक और नॉक निकालेंगे, ही इज डीलिंग सम लीथल डैमेज फॉर एस्टिक इज पुट एंड फिनिश भी उन्होंने करा एट द सेम टाइम 500 के डैमेज के साथ साथ यहां पे चार किल कंफर्म कुछ कर सेटन भी वापस सामने आते हुए क्या ही वाले डैमेज कर, यस आखिरी में एक और बुलेट कनेक्ट करते हुए जॉनथन इज अ बीस्ट राइट नाउ इन दिस मैच, 632 का डैमेज इंस्टेंटली यहां पे क्या ही वाला किल कंफर्म हो सकता है जॉनथन के लिए, बट यहां पे निंजा बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है कि वो रिवाइव ना दे पाए, बट वो बहुत ज्यादा ओपन में, अगर ओपन में गए रिवाइव के तो वो अपनी भी जान गवा बैठेगा बिकॉज जॉनथन वो ये बंदा नहीं रुकने वाला, ये प्लेयर नॉक करता है तो फिनिश के लिए पीछे भागेगा बट जॉनथन अब यहां पे किसी और टीम के लिए यहां पे दिक्कतें देगा, बट यहां पे अब ओआरबी के बेटम के लिए मुसीबत यहां पे खड़ी होती हुई, लेजर को भी नॉक डाउन कर दिया जॉनथन विद स्प्लिट सेकंड्स, यहां पे अपनी टीम को वो एडवांटेज देके जाएगी, यहां पे नियो ने वो किल्स यहां पे कंफर्म करे उनके लिए, ओआरबी ऑफिशियल्स यहां पे चुटके बजा के ये पूरा ही पूरा वाइप, ये सर्कल बहुत बड़ी बड़ी टीम्स अपने साथ लेकर आ रहा है और जो हमें फाइट चाहिए थी वर्सेस मेगा स्टार्स वो देखने को मिल रहे हैं। मीनवाइल जॉनथन वहां पर भीष्मा को पिक ऑफ करते हुए फाइट देने के लिए नॉक एंड फिनिश इज दी ओनली थिंग जो कि यहां पर ये लोग कर रहे हैं। वीएसजी क्रॉस की अगर टीम की बात करें एक प्लेयर को खो चुके हैं, जीरो किल्स इनके पास, अब किल नंबर बढ़ाना चाहेंगे, ऊपर यूमी के प्लेयर्स भी स्पॉट हो चुके हैं इनके लिए, यूमी के प्लेयर्स थोड़ी सी मुश्किल कर सकते हैं यहां पर, स्प्रे देने की कोशिश रहेगी, अक्षय को थोड़ा सा डैमेज दिया है, थोड़ा सा और डैमेज यहां पर देते हुए ईवो के पास काफी अच्छा डैमेज स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जॉनथन की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 1000 का डैमेज और 8 किल्स उन्होंने अपने नाम कलेक्ट करे आउट ऑफ दोस 12, अब आप देख सकते हो सिर्फ 4 किल्स यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स ने यहाँ पे कलेक्ट करे, बट यहाँ पे एस्ट्रिक्स और निंजा वो गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठेंगे, बट जॉनथन को पीछे से यहाँ पे शॉट्स पड़ते हुए वीएसजी क्रॉल के ईवो के द्वारा जोन के अंदर ये सारी सारी टीम्स हम लोग नजर आएंगे, मेगा का स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा और 6 किल्स उनके पास जरूर होंगे बट 8 प्लेस यहाँ पे उनको मिलेगी। जॉनथन यहाँ पे अपने आपको हील करेंगे, 9 किल अपने लिए वो कंफर्म कर चुका है, 1000 का ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे डैमेज आ चुका है, बट वीएसजी क्रॉलर को जोन के अंदर जाना है, टीएसएम एंटिटी को भी जाना है, बट एक चीज यहाँ पे जरूर है सिनर्जी के प्लेयर्स वो लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में यहाँ पे, बट सोनिक आते हुए 3 गोल के साथ इस वाले सर्कल में डोमिनेशन में अच्छे से M416 उन्होंने चला, ऑस्टिन बॉटिक्स ने यहाँ पे यूएमई के सोनिक को नॉक डाउन कर दिया है, अपहिल यहाँ पे जो यूएमई के प्लेयर्स थे उनको दिक्कतें देते हुए सिनर्जी के प्लेयर यहाँ पे यू कैन से स्प्लिट आउट, बट यहाँ पे टेड को भी नॉक डाउन करा जॉनथन ने, ये प्लेयर नहीं रुकने वाला है बिकॉज जोन भी यहाँ पे आगे जा रहा है, उनको जोन में आगे बढ़ना है, बट पहले नॉक डाउन की प्रक्रिया उन्होंने जो शुरू करी थी वो अभी तक चलती हुई नजर आ रही है। 1118 का डैमेज जॉनथन के पास से और डैमेज लेकर जाएंगे, निंजा को आप देख सकते हो कि हेल्थ थोड़ी सी कम है, सिनर्जी के प्लेयर स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूएमई के प्लेयर्स ऊपर है, सर्कल का सेंटर सिनर्जी होल्ड करके बैठी हुई, अक्षय को वहां पर काफी डैमेज दिया बट एज ऑफ नाउ नॉक नहीं कर पाए हैं, अब सारे प्लेयर्स के लिए मुश्किल होंगे, निंजा को स्पॉट किया, शॉट किया, फिनिश किया, 1161 का डैमेज, 10 किल्स ये प्लेयर ले चुका है, 11-12-13 कितने किल्स पर जाकर रुकेंगे जॉनथन वो हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। सिनर्जी के एक प्लेयर बचे, एक प्लेयर को रिवाइवल चाहिए, वाइकिंग एक्स के एक दो प्लेयर बचे, बीएससी के दो प्लेयर्स बचे, यू मुंबा के एक प्लेयर को रिवाइवल चाहिए, 10 पॉइंट्स उनके पास भी, बट टीएसएम एंटिटी वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग गेम प्लेयर्स यहां पर टीएसएम एंटिटी से हमें देखने को मिल रहे हैं। इस पूरी फाइट में जॉनथन का क्रॉसर फिर से किसी और को देख रहा है और यहां पर डाउन करेंगे एक और प्लेयर को जॉनथन साथ के साथ फिनिश, एंड दैट इज एंड फॉर वन ऑफ द मोस्ट प्लेयर्स आउट देयर, वाइकिंग एक्स एंग्री भी वहां पर थे और अब सिनर्जी के प्लेयर्स में वाइकिंग एक्स का सफाया होता हुआ 11 किल्स जॉनथन ले चुके हैं, 12वां किल भी आ सकता है अगर टेड को वहां पर पिक ऑफ करते हैं, बट देन टीम के पास 16 किल, जी गॉड को खोया था, बट स्टिल दे वर लाइक हमारे पास अपनी एक स्ट्रेटजी रहेगी और वही स्ट्रेटजी यहां पर प्लेयर्स को आगे लेकर जा रही है। बिल्कुल यहां पे ग्रेनेड पुल करें जॉनथन के पास 2 किल इंस्टेंट यहां पे आ सकते हैं, जो कि शेक के अंदर 2 किल्स और यहां पे निकाल के जाएंगे, ये प्लेयर नहीं रुकने वाला है, बार बार मैं बोल रहा हूं टीम्स के पास 18 किल, जॉनथन के पास इकलौते एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास 14 किल एक मैच से आते हुए, एंड ओवरऑल लीडर बोर्ड्स यहाँ पे मैं बात करूं प्लेयर्स की टॉप फिगर्स की उस लिस्ट में मेरे ख्याल से इस प्लेयर को कोई नहीं यहाँ पे छू पाएगा, बट ये ग्रेनेड एक्सपेक्टेशन यहाँ पे प्लेयर की इतनी है कि एक ओवर द
यहाँ पे जो क्रॉस रोड है वहां तक भी पहुंचेगा और मतलब थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा वहां पे ग्रेनेड, बट यहाँ पे जो नियो का ग्रेनेड था वो यहाँ पे डैमेज देता हुआ अक्षत को, बट जॉनथन रीलोड में जाते हुए अपनी एक के, बट अब एक और ग्रेनेड पुल करेंगे, क्या ये वाला ग्रेनेड दिक्कत देता हुआ नजर आएगा, बट यस ये वाला मेरे को लग रहा है थोड़ा सा पहुंच सकता है बिकॉज यहाँ पे एक जंप और जो एक असिस्ट था वहां पे ये वाला ग्रेनेड भी लगेगा जरूर, अक्षत को नॉकडाउन करेंगे। तीन टीमें जिंदा है, ऑस्टिन वॉर्टेक्स वो भी ग्रेनेड यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं यूएमई के ऊपर फेंकने के लिए, एंड थोड़ा सा शॉर्ट जरूर रह जाएगा, बट जॉनथन को पता है कि ग्रेनेड वहां से आया था तो एक प्लेयर वहां पे भी है ब्रिज के नीचे से, क्या यहाँ पे जाएंगे जॉनथन, उनके पास 1565 का डैमेज ऑलरेडी आ चुका है, 14 किल, दिस इज अनरियल फॉर एनी इंडिविजुअल प्लेयर। यहाँ पे टीम के पास 20 किल है वो समझ में आता है, बट एक प्लेयर के पास 14 किल ये थोड़ा समझने में हम लोगों को टाइम लगेगा, बट एनालाइज करेंगे इस प्लेयर को किस तरीके से इस प्लेयर ने धीरे धीरे करके वो किल्स बटोरे हैं, बट सामने जो भी प्लेयर है डैमेज पूरा दिया एंड इंस्टेंट फिनिश भी करे, किसी को रिवाइवल का यहाँ पे मौका नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि आज तक ये डैमेज जो डील करा है इन्होंने वो किसी ने डील नहीं करा, बट एक चीज जो खासियत है इस प्लेयर की वो ये है कि नॉक करते इंस्टेंट फिनिश, एंड जो एनिमी जेड का जो मार्क रखता है उनके प्लेयर्स भी मेक श्योर करते हैं कि वो जो नॉक हुआ है वो फिनिश हो इंस्टेंट। बिल्कुल 3v1 की फाइट बचती, ऑल थैंक्स टू जॉनथन आउट है जिस तरीके से फाइट्स उन्होंने निकाली है, एकेएम की पूरी पूरी कोशिश है कि अब आगे जो ग्रेनेड्स है ऑस्टिन के वो शूट अप कर रहे हैं, बट जॉनथन भी ट्राई करेंगे, अक्षय पीछे ऑस्टिन यहां पर, बट गेम पूरा पूरा टीएसएम एंटिटी के पास रहेगा, बट सर्कल एक और यहां पर अपनी मूवमेंट देने वाला है, क्लच गॉड जॉनथन इकट्ठे, नियो थोड़ा सा पीछे रहेंगे, क्या आखिरी के दो किल भी जॉनथन के पास जाएंगे, इतना पक्का किया टीएसएम एंटिटी के पास जाएगा, लेकिन प्लेयर कौन रहेगा जॉनथन 16 किल्स ले चुके हैं, 17वां किल उनके सामने रहेगा अगर वो लेकर जाते हैं, 21 किल टीम के पास रहेंगे, 22वां किल नजर उनकी रहेगी, नियो डाउन हो चुके हैं, नियो फिनिश हो चुके हैं अक्षय के द्वारा, अब ये फाइट रहती है जॉनथन वर्सेस अक्षय, बिकॉज़ क्लच गॉड गेल थोड़ी सी कम अपनी हेल्थ लगाना चाहेंगे, बट जॉनथन आगे मूव कर रहे, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग राइट नाउ, क्लच गॉड 70% एसपी आ चुका है, बट लुक एट जॉनथन स्टिल पिकिंग आउट देयर, स्टिल अपने टॉप टीम भी ले रहे हैं, ग्रेनेड यहां पर अक्षय लेकर जा, मोलोटोव रहेगा और वो एकदम लेफ्ट साइड पर रहेगा, मोलोटोव आते हुए जॉनथन ने देख लिया था, 27 बुलेट्स इनके पास एकेएम में रहने वाले, 27 बुलेट्स क्या काफी रहेंगे, ही इज डांसिंग आउट, लुक एट दैट, ही इज डूइंग दैट जोकर इमोट यहां पर, बिकॉज़ ही नोस इट्स his game, he knows it's his game, and yahan par 22वां kill unke samne baitha hua, just koi bhi galti nahi karni, spot kiya, shot kiya samne, but Jonathan is down right now, clutch god ke paas game aa jata, kya Akshay yahan se game nikal jaye, kya ye dance emote ek vein mein jayega is puri fight mein, Akshay yahan par apne 70% hp kar chuke, reload karke aage move kar sakte, he knows it's a 1v1, he knows aage move kar rahe 1v1 ke samne, clutch god ko spot kiya kaafi low, and UAM actually gets that win, वहां पे वो जो एक इमोट था जॉनथन वॉज 100% श्योर, बट ये जो अक्षय का एक क्लच आता है एट द एंड, यू मुंबई विनिंग दैट मैच,